गाइस मैं निखिल बोल रहा हूँ और दोस्तों ये मेरी फर्स्ट माइनक्राफ्ट वीडियो है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको तो पता ही चल गया होगा मेरी वॉइस के बारे में, लेकिन मैं अपना फेस रिवील जब करूंगा जब मेरे 100 के लाइक्स हो गए इस वीडियो पे। तो दोस्तों हम अपने एक वर्ल्ड में आए थे और मेरे साथ अमित जॉन गेम है, आप जानते ही होंगे, उनका भी एक यूट्यूब चैनल है और हमने एक घर बनाया, अभी ये पूरा नहीं हुआ है और हमने कुछ टूल्स बनाए हैं, तो हम आपको उनसे मिलवाते हैं। देखिए दोस्तों वो अमित जॉन गेमिंग है, हेलो अमित जॉन गेमिंग, वो मैंने वीडियो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो आप मुझे कुछ बता सकते हैं एंटिटीज़ के बारे में, जैसे हिमलैंड में कुछ एंटिटीज़ है तो हमारे भी वर्ल्ड में कुछ हो। अच्छा दोस्तों तो मैंने अमित जॉन गेमिंग से अभी बात करी, तो ये कह रहे हैं हमारे वर्ल्ड में कुछ एंटिटीज़ है जैसे होगा लाली और हुला लाली, इस टाइप की कुछ एंटिटीज़ है। तो दोस्तों मुझे इनके नाम सुन के बहुत हंसी आ रही है। तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि वो बहुत ही पावरफुल एंटिटीज़ है और एक और एंटिटी है किलवेश जो इनका बॉस है। तो दोस्तों हमें उन्हें फाइंड करना है, हमें उन्हें फाइंड करने के लिए एक एंटिटी के पास जाना पड़ेगा जिसका नाम है नीबड़ा जी। आप जानते हैं ये थोड़ा हिमलैंड से रिलेटेड है, लेकिन पता नहीं अमित जॉन गेमिंग ये क्यों बता रहे हैं कि ये एंटिटीज़ है। तो अमित जॉन गेमिंग कुछ बताओ अच्छा सा। अच्छा ठीक है, तो दोस्तों हम अब जाने वाले हैं एंटिटीज़ से मिलने। तो हेलो दोस्तों, मैंने बहुत देर के बाद देखा और हमें वो अपने दोस्त अमित जॉन गेमिंग ने एक कोऑर्डिनेट दिया था, तो हम यहीं पे आए हैं। अब हम यहाँ पे नीबड़ा जी से मिलेंगे। तो देखिए ओ ये कौन है, मेरे पास जाकर देखें। अरे ये तो हिमलैंड्स वाले नीबड़ा जी है। तो उसने नीबड़ा जी क्यों बोला? अच्छा इसका मतलब इस वर्ल्ड में इनका नाम दूसरा है। अच्छा और नीबड़ा जी कैसे हो? सही हो, सही हो। अच्छा तो हाँ मुझे बताइए कि क्या है। अच्छा तो हाँ गाइस मुझे नीबड़ा जी ने बताया, वैसे तो ये नीबड़ा जी है लेकिन उसने पता नहीं नीबड़ा जी को बताया। हाँ इन्होंने मुझे ये बताया कि हमारे वर्ल्ड में बहुत पावरफुल एंटिटीज़ है, एक है हीरो ब्रांड जो आप जानते ही हैं हीरो ब्रांड को, क्योंकि आप सोच रहे होगे कॉपीराइट मारोगे लेकिन सच में इस वर्ल्ड में उसका नाम हीरो ब्रांड ही है। तो दोस्तों इसने मुझे बताया इसका भाई है, एक है उसका नाम है फ्रीडी। तो आपने तो सुना ही होगा स्मार्टी पाई की वीडियो में कि फ्रीडी और फ्रूटी नाम के पैरेलल यूनिवर्स, इसमें भी उसका नाम फ्रीडी है, हमें तो पता चल गया। तो हम उसे प्रोफेसर कहेंगे। तो उसने नीबड़ा जी ने बताया हमें कि उसका नाम प्रोफेसर कहना चाहिए, नहीं तो फिर वो हमसे गुस्सा हो जाएगा। तो हम उसके पास चलते हैं। तो गाइस मुझे बहुत देर बाद प्रोफेसर का घर मिला। हाय प्रोफेसर, मेरा नाम है निखिल। तो प्रोफेसर मैं ये पूछ रहा था एंटिटीज़ के बारे में, प्लीज़ मुझे बताओ कि कुछ एंटिटीज़ के बारे में। अच्छा 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 ठीक है। तो गाइस मैंने वो प्रोफेसर से पूछा एंटिटीज़ के बारे में, और पता है मुझे हंसी क्यों आई, क्योंकि मुझे उसका फेस देख के उसके इतने बाल से हो रहे हैं दाढ़ी पे, इसलिए हंसी आ गया यार मुझे। तो दोस्तों मैं ये बता रहा था कि कुछ एंटिटीज़ है और एक एंटिटी लाइब्रेरियन, हम उससे और जान सकते हैं एंटिटीज़ के बारे में। और हाँ हमें ध्यान रखना है, इस वक्त आप जानते हैं कि स्मार्टी पाई ने उन्हें कैद कर रखा है, तो पहले हम स्मार्टी पाई से मिलते हैं और मैं तो बहुत खुश हो रहा हूँ कि मैं पहली बार स्मार्टी पाई से मिलूंगा। तो गाइस मैंने बहुत देर, अरे ये क्या, ये तो ग्रीन टेबल है, चलो आ दो आज इसे मैं पे लूँगा, आज इसे छोड़ूंगा फिर। आ जा ले ले, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ले ले ले। अरे भाई ये तो बहुत मार रहा है, आप जानते ड्रीम बॉय के एक्स, लेकिन ये तो आयरन एक्स है, मारूंगा इसे मैं। ले नहीं, अरे नहीं ये तो मैंने बहुत मारा यार, ले ओ आ जा ले ले। अरे मुझे हेल्थ बढ़ानी होगी, ये मार देगा नहीं तो, नहीं ले मैं मार दूंगा तुझे, रुक रुक